जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए जो छोटे बड़े भाई वो पूछ रहे हैं कि सर अभी भी क्या पेंशन की स्कीम है, और कईयों को पता नहीं है कि एनपीएस क्या है या ओपीएस क्या है। सर, ये पुरानी पेंशन में और नई पेंशन में क्या क्या अंतर है? तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरा उसी बारे में है कि जो पुरानी पेंशन है और जो अभी एनपीएस जो नई पेंशन चल रही है, इसमें क्या अंतर है, क्या अभी जो है पेंशन स्कीम चल रही है इससे हमको कितनी पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के टाइम। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं कि 2004 से 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू हुआ था। एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन सिस्टम, कहीं इसको न्यू पेंशन सिस्टम या स्कीम भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये सेवानिवृत्ति के बाद, मतलब आपकी जब सर्विस हो जाती है उसके बाद में, इसमें से आप 60% मनी जो इसमें जमा होता है उसका 60% मनी आप विड्रॉल कर सकते हो, जो 40% जो मनी आपका जमा होता है उससे आपको गवर्नमेंट आगे की पेंशन देती है। अब दोस्तों, पैसा जमा कैसे होता है? तो इसमें जमा ऐसे होता है दोस्तों, जैसे आपकी जो बेसिक पे होती है उसके ऊपर आप डीए मान लीजिए, बेसिक पे प्लस डीए, उसका 10% हर महीने कटता है। जैसे आपकी बेसिक पे 21,700, उसके ऊपर आप अगर डीए मान लो 2,000 3,000, कुल मिला के मान लो अगर 23,000 रुपये है, तो आपके हर महीने 10% यानी 2,300 रुपये कटेंगे। साथ ही दोस्तों, 14% यानी आपका जो पेमेंट है उसका 14% गवर्नमेंट उसमें जमा करती है। जैसे 2,300 रुपये तो आपके कट गए और 14% गवर्नमेंट जमा करती है, मतलब 3,200 के आसपास रुपए गवर्नमेंट जमा करके, तो दोनों को मिला के मतलब महीने के आपके 6,400 रुपये जमा होते हैं। केवल आपके करते हैं वही नहीं, इसमें प्लस 10% आपके करते हैं और साथ में 14% आपके बेसिक पे का, बेसिक पे प्लस डीए का गवर्नमेंट भी जमा कराती है, जो हर महीने आपके जमा होती है धनराशि। तो दोस्तों, एनपीएस का जब आप सेवानिवृत्ति यानी जब सेवा ख़त्म हो जाती है आपकी, जब आप रिटायरमेंट हो रहे हो, तो इसमें से 60% पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो, बचा 40% पैसे से आपको जीवन पर्यंत पेंशन मिलती रहेगी। जो अभी एनपीएस की जो अभी की जो राशि है वो इसी प्रकार के 200। तो इसके साथ में जो एनपीएस और ओपीएस, तो दोस्तों इनमें फ़र्क क्या है, जो बड़े बड़े जो फ़र्क है वो क्या है? तो दोस्तों बता दूँ, जो एनपीएस है इसमें मतलब आपकी जो सेवानिवृत्ति हुई उसके बाद में दो प्रकार की आपको डील खुद को करनी पड़ती है, और आपकी कितनी पेंशन होगी यह नहीं पता है। इसमें फिक्स नहीं है कि आपकी जब रिटायरमेंट होगी आपकी पेमेंट के अनुसार आपकी पेंशन नहीं होगी, इसका कोई लेन देन नहीं है कि आप जब रिटायरमेंट होगे तब आपको कितनी पेंशन मिलेगी। एनपीएस के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एनपीएस में आपका जो पैसा होता है, जैसे मैं बताया आपको कि हर महीने जैसे 10% आपका कटता है और 14% उसमें गवर्नमेंट मिलाती है, ये पैसा निवेश होता है दोस्तों। अब इसका निवेश जो होता रहता है धीरे 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 धीरे, इसका क्या प्रॉफिट रहता है उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन बनती है दोस्तों। और जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन जो सिस्टम था दोस्तों, उसमें ऐसा था कि जब आप रिटायरमेंट होते हो तो जिस लास्ट मंथ आपकी जितनी मतलब सैलरी होती है उसका 50% आपको पेंशन मिलेगी। साथ में अगर मतलब जो पेंशन प्राप्त करता है, अगर उसकी मान लो देहांत हो जाता है रिटायरमेंट के बाद में, तो उसकी वाइफ को 30% पेंशन मिलती है। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है, एनपीएस में ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रिटायरमेंट होगे तो इसमें दो ब्याज दर होती है, जैसे आपको वो उस समय बताई जाएगी, जैसे 9% और 7%, तो इस प्रकार की दो ब्याज दर होती है दोस्तों। तो अगर आप 9% को चुनते हो तो इसके अनुसार है कि फिर आपको ही पेंशन दी जाएगी। अगर आपका देहांत हो जाता है या आपका मतलब मरणोपरांत, फिर किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आप में दूसरी वाली चुनते हो 7% वाली, तो उसमें है कि आपकी बीवी को भी, अगर आपका देहांत हो जाता है उसके बाद में आपकी बीवी को भी पेंशन मिलेगी। तो इसमें होता यह है कि एनपीएस में जो आपकी शुरुआत में जो पेंशन मिलती है उसका ऐसा कोई ब्यौरा नहीं है कि आपको फिक्स इतना मिलेगा। हाँ, जो पुराने वालों को मिल रही है उससे ज़्यादा भी मिल सकती है और कम भी मिल सकती है, इसमें फिक्स नहीं है दोस्तों। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पेंशन मिलती है। कईयों को ये है कि जो CRPF, BSF, ITVP, CISF ये जो जवान हैं इनको पेंशन मिलती नहीं है, तो ऐसा नहीं है, पेंशन सिस्टम है। लेकिन जो अभी जो पेंशन सिस्टम है इसमें लोगों को ज़्यादा ऑब्जेक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें जैसे मेडिकल कवर नहीं है, साथ में और इसका एक और क्या मतलब बड़ा डिफरेंट है, जब पहले जो पेंशन सिस्टम चलता था उसमें जैसे पे कमीशन आता था, जैसे 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन, 9th पे कमीशन, तो उसके अनुसार उनकी पेंशन भी बढ़ती थी। लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई डिटेल नहीं है कि अगर आपका मान लो नया पे कमीशन लगता है तो आपका मतलब पेंशन बढ़ जाएगी, नहीं दोस्तों, वो ओनली आपके निवेशों के आधार पर ही आपकी पेंशन बढ़ेगी। जिस
जैसे आपका जो जमा रुपए है उसमें से जैसे आपने 60% विड्रॉल कर लिया, 40% जो आपका जमा रुपए है वो रुपए जहाँ पर निवेश हो रखे हैं उस मार्केट के अनुसार ही आपकी धीरे 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 पेंशन बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपका पे कमीशन के अनुसार पेंशन नहीं बढ़ती। साथ में मेडिकल रिकवर जो OPS था उसमें जो मेडिकल रिकवर था वो अच्छा था, इसीलिए ज़्यादातर लोग ओल्ड पेंशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं दोस्तों।